मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था थर्ड यूनिट स्टार्ट, तो थर्ड यूनिट का आगे हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम फाइंड करेंगे कि मीन कैसे फाइंड करना है, यानी मध्यमान कैसे निकालते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स दिए होंगे, उनकी कुछ वैल्यू दी होगी, तो उसमें से आपने इसको मीन को फाइंड करना है, यानी मध्यमान को फाइंड करना है। आपके एग्जाम में आएगा कि कुछ स्टूडेंट्स दिए होंगे, उनकी वैल्यू दी होगी, या फिर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए होंगे और उसका आपने मध्यमान कैसे निकालना है, मीन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। मीन को आप एक्स बार के रूप में भी शो करते हैं, एक्स और ऊपर इसका बार। इसका मीनिंग क्या है कि आपने इसको मीन को फाइंड करना है। मीन को शॉर्ट फॉर्म में एक्स के ऊपर बार के द्वारा नोट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि मीन कैसे फाइंड आउट करना है। एग्जांपल ले लेते हैं आप कोई भी, पहले हम सिंपल एग्जांपल करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट चलेंगे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि किसी स्कूल में एक स्कूल है, उसकी 8th स्टैंडर्ड के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उस स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट्स की जो है वैल्यू दे रखी है, उनका भार दे रखा है, उनका वेट बताया हुआ है। 10 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के और उनका वेट दिया हुआ है, और उनका आपने क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है। तो 10 स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 10, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके 10, ठीक। और उनका वेट दिया हुआ है, वेट जो है वो भार है, वो क्या दिया हुआ है, 37, 42, 43, 40, 47, 46, 55, 38, 42 and 50। 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, और 10 स्टूडेंट्स का आपके पास वेट दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन को आपको पहले मिलता है कैसे नोट करते हैं, एक्स बार। ये तो था सिंपल सम, तो एक्स बार फाइंड करेंगे, जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं इसको आप नेम दे दीजिए एन, जितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन समीशन एक्स आई 1 to n एक्स आई। अब एक्स बार यानी आपने मीन फाइंड करना है, एन का मतलब क्या है, जितने टोटल ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, बुक्स होंगे, समथिंग जो भी आपके एग्जाम में दिए होंगे। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स है, तो एन का नंबर क्या, एन मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्स आई आपका क्या, एक्स आई होता है जो भी आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आपकी वैल्यू है वेट में। तो वैल्यू फर्स्ट स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 स्टूडेंट्स का भार आपको पास गिवन है, वेट गिवन है, तो उसको बोलते हैं एक्स आई, क्लियर। एक्स आई यानी एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री यानी नंबर ऑफ 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, इसका मतलब ये। एक्स आई 1 to n, 1 to n का आई का मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4 जितने स्टूडेंट्स है, और n का मतलब क्या है, जितने टोटल n तक की वैल्यू जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पर कितनी है 10, तो यानी कि आपने कितने का लेना है, 10 का लेना है। और समीशन का मतलब होता है एड करना, इसका मीनिंग क्या है, समीशन एड करना, यानी एड करना समीशन 1 to n मीन्स आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1 to 10, उसके बाद समीशन का मतलब एड, एक्स आपके पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू गिवन है, भार है, तो कितने हैं एक्स 1 to n, कितने आपके 10, और एक्स आई का मतलब क्या है, x1, x2, x3, और ये आपके क्या है सब, x1, ये x2 है, x3 है, सब टू एक्स 10 तक, क्योंकि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो सीधा आपने फॉर्मूला पुट करना है और वहां से आपने वैल्यू निकालनी है। दोबारा क्लियर करवा देती हूँ, मीन को आप नोट करते हो एक्स बार के साथ, 1 बाय फॉर्मूला है 1 बाय एन समीशन 1 टू एन एक्स आई, क्लियर। 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी आपके पास गिवन है, एक्स आई का मतलब जो आपके पास वैल्यू गिवन है, x1, x2, x3, x2, x10 तक। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप फॉर्मूले में पुट कीजिए 1 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास 10,
summation x1, x2, x3 up to so on x10 तक. x10 यानी आपने क्या करना है, इन सब सबको एड करना है. मीन्स 50 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 40, 47, 46 प्लस 55 प्लस 38 प्लस 42. आपने इन सबको क्या करना है, ऐड करना है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/10. आप जब इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 100, 440. तो एक्स बार आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई 440. 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 44. आपका मीन जो आंसर क्या आ जाएगा, मीन क्या आ जाएगा, 44. क्लियर, समझ आ गया. ये तो था सिंपल कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया होगी, उनकी कुछ वैल्यू दी, ठीक है. अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, जैसे उसका भी आपने मीन फाइंड करना है, उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, कैसे मीन फाइंड आउट करना है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. कि कुछ विद्यार्थी दिए हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट एज है. पहले तो आपके समय क्या था कि टोटल स्टूडेंट दिए थे और उनकी वैल्यू गिवन थी, बट अब क्या है कि डिफरेंट स्टूडेंट दिए हुए हैं, हर डिफरेंट स्टूडेंट्स की क्या दिया हुआ है, एज दी हुई है, तो उसका आपने कैसे मीन फाइंड करना है. जैसे यहां पर दी हुई है एज ऑफ स्टूडेंट, कितनी एज के हैं, 15, 16, 17, 18 एंड 19, 20. ये तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एज. उसके बाद स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 जिसकी एज है, उसके स्टूडेंट हैं 5 एक क्लास में. 16 ईयर की एज वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी वो है 4. 17 जिनकी एज है वो है 3. 18 जिनकी एज है वो 10 एंड 19 वाले भी 10 हैं, और जिनकी एज 20 है उनकी वैल्यू है 8. आपने इसका क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, मीन. क्या फाइंड करना है इसका, मीन. तो कैसे फाइंड करेंगे इसका, क्या फाइंड करना है, फाइंड मीन. तो इसने आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए वही सेम फॉर्मूला. एक्स बार मीन को कैसे शो करते हैं, एक्स बार 1/n समीशन i1 to n fixi, ये है इसका मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला. प्रीवियस में हमने क्या किया था कि सिंपल आपके पास 10 स्टूडेंट्स थे और 10 स्टूडेंट्स का आपके पास क्या था, वेट था, ठीक है. आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का वेट नहीं था, टोटल स्टूडेंट बताए थे और जस्ट वेट बताया था. तब आपने मीन को कैसे फाइंड किया था, एक्स बार समीशन 1/n समीशन i1 to n xi. xi यानी आपने वेट को एड किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास गिवन थे. बट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज ऑफ स्टूडेंट्स अलग है, 15 एज के 5 स्टूडेंट है, यहाँ पर एज अलग दी हुई है और स्टूडेंट्स अलग दिए हुए हैं. तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. इसको आप दे दीजिए एफ आई का नाम, क्योंकि हमने क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई, और इसको नाम दे दीजिए एक्स आई. तो एफ आई मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एफ आई, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. अब एक्स आई आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 एज वाले 5, 4, 3, 10, 10 एंड 8. एन कितना है, एन यानी कि
एक्स आई को आप ऐड करोगे यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन आप क्या करते हो, एन यहाँ पर 10 स्टूडेंट थे तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि आपने इन सबको ऐड करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं, आप इन सबको ऐड करो तो ये आ जाएगा आपके पास एन। 5 + 4 = 9, 9 + 3 कितने हो गए 9 + 3 12 और 10 = 22, 22 + 32 = 8 = 40। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास यानी एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40। अब आपने क्या, आपने एन फाइंड कर लिया, क्या लेफ्ट रह गया एफ आई और एक्स आई। अब एफ आई और एक्स आई कैसे फाइंड करें, एफ आई एक्स आई, एफ आई यानी एफ आई और ये आपके पास क्या है एक्स आई, तो कैसे फाइंड करें, आपने एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, 15 × 5 = 75, 64, 51, 180, 190 and 160। और इसके बाद इसको आप ऐड कर दोगे ये आपके पास आ जाएगा एफ आई एक्स आई ऐड करने पर आ जाएगा 720। अब जस्ट आपके पास एफ आई भी गिवन है, एक्स आई भी गिवन है, एफ आई और एक्स आई आपने फाइंड कर लिया, एन की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। अब क्या करना है, जस्ट आपने क्या निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो एक्स बार क्या है 1/n summation 1 to n, एक्स बार 1/n कितना है आपके पास 40, एन समीशन 1 to कितना है 40 और एफ आई एक्स आई, तो 1/40 इन सबको ऐड किया, समीशन मतलब ऐड 1 to 40 आपके पास ये है तो एफ आई और एक्स आई इनको ऐड किया तो कितना आ गया 720। 0 से 0 कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 4, 6 = 30, तो 8 = 32। एक्स बार क्या आ जाएगा आपके पास 18, आपके पास मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। क्लियर, तो अगर आपके पास आ जाए सिंपल सम तो आपने सिंपल फाइंड करना है मीन, एक्स बार इज इक्वल टू 1/n i 1 to n xi। और अगर आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट एज है, डिफरेंट एज वाले डिफरेंट स्टूडेंट हैं, अगर एफ आई भी हो एक्स आई भी गिवन हो तब आपने नया फॉर्मूला लगाना है मीन को फाइंड करने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू 1/n summation 1 to n fi x। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।